हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट पीसी गेमर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका ई ए स्पोर्ट्स क्रिकेट 07 का जो कमेंट्री पैच है उसको किस तरह से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में मजाक ज़रूर लग रही होगी आपको, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो चुका है। आपके ई ए स्पोर्ट्स क्रिकेट 07 में कमेंट्री पैच आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है एच डी स्टूडियोज़ की वजह से। जो काम A2 स्टूडियोज़ भी नहीं कर सका, वो काम कर दिखाया है HD स्टूडियोज़ ने। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप HD स्टूडियोज़ को लाइक कीजिए और उनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और उन्हें सपोर्ट करते रहिए इसी तरह के नए नए पैचेस बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है ये कमेंट्री फॉर एनी क्रिकेट गेम। आप पर डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये फोल्डर आ चुका है मेरे पास। अब जो है आपने क्या करना है, आपने कमेंट्री फॉर एनी क्रिकेट गेम इस फोल्डर को ओपन करना है, और इस फोल्डर के अंदर आपको HD स्टूडियोज़ की तरफ से बनाई हुई ये एक वीडियो मिल जाती है, ट्यूटोरियल की वीडियो। अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये कमेंट्री इंग्लिश 2020 और कमेंट्री हिंदी 2020, इन दोनों की ये दोनों फाइल्स को अपना कॉपी करना है और इसे जाकर आप पेस्ट करोगे लोकल डिस्क C में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, जो कमेंट्री इंग्लिश और हिंदी का जो फोल्डर है उसे आप कॉपी करके पेस्ट कर दोगे लोकल डिस्क C के अंदर। दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब आपको एडवांस टास्क शेड्यूलर ये जो है इसे ओपन करना है और इसे इंस्टॉल करना है। इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो हमारे कमेंट्री पैच वर्क करेगा, तो ये इंस्टॉल करना लाजमी है। तो आप इसे बड़े ही गौर से देखिए कि हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है। आपने आई एक्सेप्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट करना है, और यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट कर दूंगा मैं इसे, और ये अब इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पर स्टार्ट आप नहीं करेंगे, इसको अनचेक करके आप फिनिश कर दोगे। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप एडवांस टास्क शेड्यूल को ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि 30 डेज ऑफ इवेल्यूएशन रिमेनिंग, लेकिन हम इसे एक्टिवेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना इंटरनेट ऑफ करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं मेरे पास इंटरनेट जो है मैंने ऑफ कर दिया है, और अब मैं इसे एक्टिवेट और रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर, आपका जो सेटअप वाला फोल्डर था इसके अंदर आपको एक कीजन का फोल्डर मिलेगा। यहाँ पर आप सीरियल पर जाएंगे और ये जो नेम है रजिस्ट्रेशन नेम, इसको आप करेंगे कॉपी, और सॉरी यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नेम आपने कॉपी कर दिया, और ये रजिस्ट्रेशन कोड, इसको भी आप पूरा यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे और रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो रजिस्टर प्रॉपर्ली हो चुका है और अब ये ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हिंदी कमेंट्री जो लिखा हुआ है उस पर आपने ये, इसको मैंने सेलेक्ट किया हिंदी कमेंट्री को, और फाइल में जाकर जो है इम्पोर्ट पर आप क्लिक करोगे और नेक्स्ट करूंगा मैं यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, लोकल डिस्क C में जाना है। लोकल डिस्क C में आप जाओगे तो ये आप देख सकते हो कमेंट्री हिंदी 2020 जो हमने फोल्डर पेश किया था उसको ओपन करोगे, और ये वाली जो फाइल है कमेंट्री हिंदी 2020.bin इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी कमेंट्री की जो फाइल्स हैं वो मिल जाएंगी, और सेम टास्क हमें इस तरह इंग्लिश कमेंट्री पर भी करना है। फाइल में जाएंगे, इम्पोर्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और लोकल डिस्क C में जाके अब आप जाओगे कमेंट्री इंग्लिश 2020 इंग्लिश कमेंट्री, यहाँ पर इसकी भी बिन फाइल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हिंदी कमेंट्री मैं आपको रन करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं अगर सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम जितनी भी फाइल्स हैं, जो भी कमेंट्री आप प्ले करना चाह रहे हो अपने गेम में, उसको सिलेक्ट करना है।
और इनेबल टास्क पर, इनेबल टास्क पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर जो है वो टास्क इनेबल कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जाना है अपना फोल्डर में, उसी फोल्डर में जहाँ से ये सेटअप का जो फोल्डर है इसमें आप जाओगे कमेंट्री हिंदी, जो भी कमेंट्री आप प्ले करना चाहते हो क्रिकेट 07 में उसे ओपन करोगे, और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स फॉर कमेंट्री करके एक फाइल मिलेगी, इसे आपने ओपन करना है और ये आपने देख लेना है कि ये कौन से बटन से रन करेगी। मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट 07 आप खेल रहे हो, कोई भी मैच खेल रहे हो आप, और आपने चौका लगा दिया, तो आप ये देख सकते हैं चौके के लिए कितनी फाइल्स हमारे मौजूद हैं। एक तो सिर्फ 4 है, तो मैं अगर 4 प्रेस करके आपको दिखाऊंगा तो ये कमेंट्री यहाँ पर भी बजना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको चेक करने के लिए दिखा देता हूँ कि हमारा जो कमेंट्री बैच है वो सही तरह से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो मैं 4 प्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने 4 प्रेस किया तो कमेंट्री फाइल प्ले होना शुरू हो गई। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ चौके के लिए हमारे पास कितनी फाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फाइल्स हैं। तो मैं आपको एक और फाइल सुना देता हूं, जैसे कि ये है अल्ट प्लस 4, तो अल्ट प्लस 4 गैप में है, क्या रोक पाएंगे, कोई मौका नहीं। तो इस तरह से आप जो है वो कमेंट्री प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलूँगा गेम के अंदर और दिखाऊँगा किस तरह ये आपने आगे जो है वो इसे प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना है। तो अब हम जाएंगे सीधा गेम के अंदर। जी तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं गेम के अंदर। तो गेम क्या है, स्टार्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने माई क्रिकेट पर आप आओगे, आप रोस्टर लोड कर लोगे जो भी आपने प्ले करना है। तो उसके बाद आप जाओगे माई क्रिकेट पर और सिस्टम सेटिंग्स, यहाँ पर साउंड ऑप्शन में जाके आपने जो गेम की कमेंट्री की वॉइस है उसे पूरी तरीके से आपने बंद कर देना है। और अब मैं यहाँ पर एक मैच या एक ओवर आपको खेल के दिखा देता हूँ कि किस तरह ये वर्क करेगी। कोई भी टीम ले लेंगे हम, और बस आपने याद रखना है वो जो हॉट कीज थी कि कौन सी प्ले होगी। तो मैच स्टार्ट होने का मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं फ़िलहाल कोई की प्रेस नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही हम आवर्स शुरू करेंगे तो मैं कर लेता हूँ। जी हाँ, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है वो टॉस कंट्रोल टी की प्रेस किया तो वो गेंदबाजी का आ गया। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला, उसके बाद मान वही सम्मान वही। तो आप देख सकते हैं मैं अगर डिफरेंट कमांड्स दे रहा हूं तो यहां पर कमेंट्री प्ले हो रही है, और हमने यहां पर बॉलिंग का ऑप्शन आ चुका है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने बैटिंग ले ली है। तो यहां पर मैं शुरू कर देता हूं कमेंट्री। डॉट बॉल के लिए मुझे पता नहीं है कि यहां पर कौन सी की प्रेस करनी थी, लेकिन मिलेगा मात्र एक रन ही, एक ही रन मिलेंगे। सॉरी मैं यहाँ पर गलत दबा गया था, लेकिन आपने इसी तरह से हॉट कीज आपको याद होनी चाहिए। और इस बार कोशिश तो जरूर थी, लेकिन एक ही रन मिल पाएगा। तो जैसा एक रन मिला तो मैंने एक रन वन की प्रेस की, तो उस पर जो है वो एक रन की कमेंट्री थी, तो वो प्ले हो गई। साथ में एक डॉट बॉल। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है कमेंट्री पैच। ये देखें डॉट बॉल का, डॉट बॉल के लिए आपको 0 प्रेस करना है तो आपकी डॉट बॉल की कमेंट्री प्ले होना शुरू हो जाएगी। डॉट बॉल। तो पहला ओवर खत्म हो चुका है, और आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि आपने किस तरह से इस पैच को यूज़ करना है। तो दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसे ही आप अपना जो है वो क्रिकेट 07 गेम को
ख़त्म कर लो या खेल लो। उसके बाद आपने क्या करना है, एडवांस टास्क शेड्यूलर पर जाना है और जो टास्क आपने इनेबल किया था, मतलब जो कमेंट्री फाइल हमने सेलेक्ट की थी और उसको इनेबल टास्क किया था, आपने दोबारा जो है वो तमाम फाइल्स को सिलेक्ट करना है और डिसेबल टास्क करना है। वरना क्या होगा कि आप अगर नॉर्मल पीसी भी यूज़ कर रहे हो और आपने वन प्रेस किया तो कमेंट्री फाइल जो है प्ले होती रहेंगी। तो इसे बचने के लिए आप जब गेम खेल लो तो इस फाइल्स को डिसेबल कर लो। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी मुझे, और मैं ये भी जानता हूँ कि काफ़ी तो नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ा मुश्किल था ये कमेंट्री पैच को इंस्टॉल करना। मुझे भी काफ़ी परेशानी हुई फर्स्ट टाइम आपके सामने इंस्टॉल करने में। तो अगर किसी भी किस्म की कोई परेशानी आपको आए या आपको समझ ना आए कि किस तरह से इंस्टॉल करना है तो मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वीडियोस को पूरा वॉच किया करो किसी भी किस्म के एरर से बचने के लिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा इसी तरह के मज़ीद वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।